वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जर्नलिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान। जर्नलिज्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नलिस्ट, एब्सोल्युटली ही कम्स ऑन टॉप। और बहुत ही खूबसूरती से अवाम की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाते हैं, चाहे समाजी मसाइल हों चाहे सियासी मसाइल हों, दुनिया को उससे रोशनास भी कराते हैं और कुछ कुछ हल भी देते हैं। अगर हम उनके करियर के हवाले से बात करें तो क्या नहीं किया उन्होंने। ही हैज़ बीन एन एजुकेशनिस्ट, एंकर भी करते हैं और जर्नलिस्ट तो हैं ही, एजुकेशनिस्ट भी हैं और राइटर हैं, और हमारे और आपके दिल में बसते हैं। वी हैव सुहेल वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? फाइन, ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत से दिन गुजारे आपने जियो पे मुख्तलिफ लोगों के साथ, और आज का दिन आपने हमें दिया, उसके लिए शुक्रिया। ये बताइए कि बहुत से मुख्तलिफ लोगों के साथ जो दिन गुजरे, उसमें कौन सा ऐसा शख्स था आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आपको लगा कि एक दिन और गुजरना चाहिए? सच तो यह है कि मैंने हर दिन से बहुत कुछ सीखा है, और सीखते सीखते शायद जब प्रोग्राम शुरू हुआ था मैं वो वाला नहीं रहा। रियली? अब बिल्कुल बदल गया हूँ। अच्छा। और इतने मुख्तलिफुल ख्याल लोगों से मिलते मिलते और इतने मुतजाद आरा को सुनते सुनते अब मुझे लगता है कि सर इंसान बहुत अच्छे हैं, है ना? और बाकी जो आपने सवाल किया कि सब कौन ऐसा शख्स था, तो चार पांच लोग जहन में आते हैं। एक तो खान अब्दुल वली खान, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, इंटेलेक्चुअली बड़ा मुझे उन्होंने इंस्पायर किया। अजमल खटक साहब ने बहुत इंस्पायर किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो वक्त गुजारा वो लगता था कि कुछ और एक्सटेंड हो जाए। अच्छा। नवाबजादा नसरुल्ला खान, ये चार पांच जो पॉलिटिशियंस हैं इनमें से मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे। सही। अच्छा, बातें तो बहुत सी हैं, अभी तो आगाज़ हुआ है। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं और बहुत सी बातें और बहुत से सवालात हैं, ब्रेक के बाद होंगे जी। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और क्योंकि हमें अपनी जो हमारी बहनें हैं और हमारी सहेलियां हैं उनका बहुत ख्याल है और हम चाहते हैं कि उनको गिफ्ट्स भी दिए जाएं, तो सुहेल साहब से तो बात होगी, मगर एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूं, वो सवाल ये है, ब्राइट वॉशिंग पाउडर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, और सवाल उसका ये कि ब्राइट के नए फार्मूले में कौन सा ख़ास एक्टिव इन्ग्रीडियंट है जिससे कोई दाग नहीं बच सकता? और ऑप्शन में पहली ऑप्शन है स्टेन मैगनेट्स, सेकेंड ऑप्शन है स्टेन पावर, एंड थर्ड ऑप्शन वी हैव इज स्टेन पुलर। तो डिसाइड कीजिए, बताइए क्या सही जवाब है और हमें फ़ोन कीजिए और सुहेल साहब से भी बात कीजिए और सही जवाब दें ताकि आपको गिफ्ट भी दिया जा सके। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइए कि तो आपने वो उन शख्सियत के नाम लिए जिनके साथ आपने एक एक दिन गुजारा और आपने बहुत कुछ सीखा, ये मुझे बताएं कि जब ज़िंदगी में ये स्टार्ट हुआ शो, वैसे तो आपका प्रोफेशन ऐसा है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बट इन पर्टिकुलर ये शो जब स्टार्ट हुआ, उससे पहले आपकी शख्सियत क्या थी और अब क्या तब्दीली आई है उसके अंदर? यूजुअली हर इंसान ये होता है कि बंदे किसी के भी जिन लोगों से आप मिले नहीं होते स्पेशली, उनके बारे में आपका एक व्यू होता है। सही। और शुरू शुरू में जब भी मैं किसी के पास जाता था, जाहिर है मेरे भी व्यूज़ होते थे, राइट, लेकिन अक्सर मैं जब उन लोगों से मिला तो मेरे व्यूज़ चेंज हुए, बदल गए, व्यूज़ बदल गए। अच्छा। क्योंकि जब आप किसी बंदे के करीब जाते हैं तो आपको उसकी पॉजिटिव साइड भी नज़र आती है और नेगेटिव साइड भी नज़र आती है, और चूँकि बतौर साफ़ी हमारा मुशाहिदा ज़रा आम लोगों से तेज़ हो जाता है तजर्बे की वजह से, बिल्कुल सही। तो उससे मुझे बहुत जो लोग पहले उनके बारे में मैं कुछ और सोचता था, फिर मैं कुछ और सोचता नहीं, ये तो वो तब्दीली है ना जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आई, आपकी शख्सियत के अंदर क्या बदला? शख्सियत के अंदर तो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि मैं मेरे अंदर एब्जॉर्प्शन की सलाहियत जो है वो बहुत हर नुक्ता नज़र को एब्जॉर्ब करना, और
इसकी बजाय कि आप रिएक्ट करें उसको अंडरस्टैंड करने की ये सलाहियत पैदा आई थिंक ये वही बात है कि जो पेशेंस तहम्मुल सब्र और अब ह्यूमैनिटी जो है वो अच्छी लगनी शुरू हो गई है ना। बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, दिन लोगों के साथ तो आपने गुजारे, और अगर हम ये कहें कि हम आपके साथ अगर एक दिन गुजारें तो कौन सा ऐसा हिस्सा है दिन का जो आपके दिल के बहुत करीब है? मुझे तो सबसे अच्छा जो है, मैं जब रीडिंग कर रहा होता हूँ, कौन सा वो रीडिंग राइट वो मेरा सबसे फेवरेट मशगला है। और यूजुअली सुबह के टाइम मेरा जो टाइम है सुबह उठ के, मैं अर्ली राइजर हूँ, और सुबह पहले अखबारात के बाद फिर कोई ना कोई रीडिंग, कोई ना, मैं 12 एक बजे तक अपना जो काम है ये रीडिंग का, लिखने का, ये करता हूँ, यही मुझे पसंद है। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी है, आपसे बात करना चाह रही कुरतुलैन साहब। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं उरूज? मैं ठीक हूँ कुरतुलैन, आप क्या कहेंगे? हमारे साथ आज सुहेल वड़ाइच। आपके जो गेस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी फैन हूँ। अच्छा, ओके, तो क्या कहेंगी अपनी फैन? मैं बुकरान जाते थे एक दिन जियो के साथ, वो भी बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, मुझे आपके क्वेश्चन के जवाब देना है जी, बताइए। स्टेन मैग्नेट। चलो ठीक है जी, कुरतुलैन का जवाब आप ले लें, मिलेगा, लिख लिए, और अगर फिर कुरानदाजी करेंगे, अगर आपका नाम निकला तो जरूर डेफिनेटली हम आपको इनाम दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा सुहेल साहब, जिंदगी में जब आप अपना स्टार्ट करते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को की इंस्पिरेशन होते हैं आपकी, जब आपने करियर अपना स्टार्ट किया, हु वाज़ योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशंस बहुत रहीं, पहले तो फैमिली है, वालिद साहब हैं, मेरे दादा मरहूम, मैंने उनको देखा नहीं लेकिन सुना बहुत। सही। वालिद साहब को मैंने देखा भी, एंड ही वाज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन टू द होल फैमिली। लेकिन आप अगर जर्नलिस्टिक इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो इस वक्त मेरी इंस्पिरेशन बॉब वुडवर्ड है। अच्छा। जो वाशिंगटन पोस्ट में काम करते हैं, लेकिन बुक्स उनकी जो आई हैं उन्होंने दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन को फ्लड कर दिया है कि ही हैज़ एक्सेस टू दी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, और वो एक एक चीज़ खोल कर लिख देते हैं। अभी उनकी नई किताब आई है ओबामाज़ वार्स, और वो इतनी दिलचस्प है कि लगता है कि हमें हर चीज़ का पता चल गया। इससे पहले इनसाइड स्टोरीज, बुश एट वार जो थी वो उनकी दो आई बुक्स। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी ऐसे जर्नलिस्ट हों जो सब चीज़ें आवाम के सामने रखते हैं। सही। तो इसलिए मेरी वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बॉब वुडवर्ड। अच्छा, तो आप ये बताइए ना, आपने कहा कि कोई ऐसा हो जो लिखे और दुनिया के सामने इंकशाफात हो जाए, आपने भी तो बहुत सी बुक्स लिखी, जिसमें जो दो बुक्स जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, कातिल कौन और गद्दार कौन, उसके अंदर लोगों को कुछ पता इंकशाफात हुए? मेरा ख्याल है कि ये जो गद्दार कौन थी, इसके 13 एडिशन जो है वो शाया हुए, और जो कि किसी सियासी किताब के लिए मेरा ख्याल है एक नया रिकॉर्ड था। बिल्कुल। तो लोगों को अच्छी लगी तो इसीलिए उन्होंने ख़रीदी। अभी ये जो मेरी किताब आई है कातिल कौन, बहुत मोटी है, यानी आम किताबों की ज़खामत से ज़्यादा है। सही। लेकिन इसके भी तीसरा एडिशन चल रहा है। और ये जो कातिल कौन है, ये है आप जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत है, उसके मुहरकात, कातिल कौन थे, तो कुछ लोगों को वो तक पहुंची? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। अच्छा सही। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। बेटा प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम ऑफ कर दो और फिर बात करो। ओके। और कैसी हैं रुजा जी? बुशरा बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या कहेंगी? जी हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं सामने आज बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बैठी हुई है, तो मैं मजबूर हो गई, मैंने फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल की है। जी बताइए क्या कहेंगी इनसे, क्या कोई सवाल करेंगी? जी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी, इन मेरे हस्बैंड इनके बहुत फैन है, कोई काम हो छोड़ के इनका प्रोग्राम देखते हैं, और ये कोई भी सच्चाई वाला जो होता है सवाल ना, बड़े इजी तरीके से पूछते हैं, ये इनकी है कि बड़ी अच्छी बात है। चलिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए ठीक है, आप बहुत तारीफ करना चाहूंगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप भी।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हैव एन ए प्लस डे, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, सच्चाई की इन्होंने बात की, कितना मुश्किल होता है सुहेल साहब सच बोलना? बहुत आसान है। अच्छा, हाँ। लेकिन मुश्किलात नहीं हो जाती जब आप सच बोलते हैं? बस मुश्किलात झूठ बोलने में। अच्छा, हाँ। मुझे याद है कि मैं को आज से 10 साल पहले तक आम जिंदगी में जिस तरह हम सब झूठ बोलते हैं, सही, मैं भी छोटी-छोटी बातों पे झूठ बोलता था। अच्छा, कि बस जी घर पे आए तो फोन नहीं सुना। हाँ, हाँ। और कह दिया कि बता दे नहीं है, और अगर कह जिस, हाँ, मतलब रास्ते में पहुंच रहा हूँ जबकि घर में बैठे, इतनी अभी यानी नहर पे नहीं पहुंचा लेकिन कह रहा हूँ मैं नहर पे पहुंच गया। राइट। तो 10 साल पहले मैंने ये फैसला किया एक दोस्त की इंस्पिरेशन पे। अच्छा, वो दोस्त कौन था? वो दोस्त मेरे बहुत करीबी साथी दोस्त थे। तो उसने कहा कि यार ये ना हम किया करें दोनों। चुनाचे उसके बाद से मैं कोशिश करता हूँ हत्तल वसा 99% के ना बोला जाए, ना बोला। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई झूठ बोला और आप पकड़े गए हो? झूठ तो हमेशा पकड़े जाते हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा कि आप झूठ बोलने और ना पकड़े जाएं। सबसे पहले बात तो यह है कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दूसरे के लिए तो छोड़े ना। राइट। कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है कि एक झूठ बोला है फिर दूसरा बोला है। जब से मैंने झूठ बोलना बंद किया है 10 साल पहले से, और सच बिल्कुल स्टिकिंग टू ट्रूथ, इतनी जिंदगी ईजी हो गई। भाई कह दो भाई नहीं मैं नहीं आ सकता, भाई मैं वहां पहुंच गया हूँ। राइट। ठीक है, वो उसी वक्त जो होना हो जाए हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आप बहुत सच्चाई करना शुरू करते हैं तो घर में भी कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, तो इस सच की वजह से घर में थोड़े बहुत झूठ बोल लेते हैं। अच्छा, बोल लेते हैं। ये आपने कह दिया, सुन रहे होंगे घर वाले। नहीं, लेकिन घर में देखें झूठ सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ लड़ाई का खतरा हो। बिल्कुल सही। कुछ ऐसा हो कि फसाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, वहाँ थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं। लेकिन वो 99% ट्रूथ है, 1% सिर्फ झूठ है। अच्छा, चलिए इस हवाले से जरा बात करते हैं। आपकी एक और फैन की कॉल है, फौजिया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। हेलो, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ फौजिया। आपकी पसंदीदा शख्सियत बैठी हुई क्या कहेंगे? मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सारे काम छोड़ के मैं देखती हूँ प्रोग्राम। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बातें बड़ी इंटरेस्ट करते हैं। अच्छा चलिन, वेरी गुड, थैंक यू। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था मैंने अब कॉल मिलानी नहीं है, बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ। राइट, चले मिल गई, अब क्या कहेंगे? शुक्र है मिल ही गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। चले शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी शुक्र अदा करते हैं। और क्या कहेंगी ये कहने के अलावा कि कॉल आप वो वाला सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप हिम्मत और हौसला देती हैं दूसरों को। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हैव एन ए प्लस डे। और एक बात जो मैं बार बार कहती हूँ कि ज़िंदगी में जब कहीं किसी से कॉल मिल जाए या बात हो जाए तो सारी चीज़ें सही, मगर साथ साथ कोई ऐसी बात ज़रूर किया करें जिसको सुन के कोई सुनने वाला और देखने वाला कुछ ना कुछ ज़रूर सीख ले, ठीक है ना? तो ये ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। सर, आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा झूठ ना बोलने के अलावा? मैं जर्नलिज़्म में हूँ या ज़िंदगी में किसी भी मौके पर हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारा कैरियर सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए है। सही। अवाम के लिए होने का मतलब कोई नारा नहीं है। Right. मतलब ये है कि अवाम को मैंने क्या देना है, मेरी ताकत अवाम है। तो सही। उस ताकत के बलबोते पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को लौटाना है, इंफॉर्मेशन की शक्ल में और ज़्यादा से ज़्यादा किसी शख्सियत के बारे में, किसी मामले के बारे में, किसी इशू के बारे में मेरी कोशिश होती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रूथ तक पहुँच सकें, मामले की तह तक पहुँच चुके वो लोगों तक पहुँचाया जाए। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी।